जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम। आपके सिलेबस में जम्मू कश्मीर का एक टॉपिक मेंशन है, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज के इस लेक्चर में हम फेमस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो ये ऑल्दो ये लेक्चर एमसीक्यू फॉर्मेट में है, बट मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है ना उनकी सभी के एक्सप्लेनेशन दूंगा जो भी मैंने ऑप्शन में डाले हुए। तो एक पेन नोटबुक लेके बैठना, अदरवाइज इस लेक्चर को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये दो पार्ट में लेक्चर आएगा, आज फर्स्ट पार्ट है, एक और सेकंड पार्ट में फेमस पर्सनालिटी ऑफ जम्मू कश्मीर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। ठीक है, जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, उसके बाद जब कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, जब गवर्नमेंट बनी, उसमें इंडिया के पहले मिनिस्टर जो है इंडस्ट्री और सप्लाई के लिए वो कौन थे, हमें ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर हमें देना है। देखो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी प्रेमलाल डोगरा, सी गिरधारी लाल डोगरा एंड डी इज गुलजारी लाल नंदा। ये सभी ही पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, देखो किसने सर्व किया था, इंडिया के पहले मिनिस्टर कौन बने थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई के, वो थे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका नाम ये याद करो, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे टनल भी है, आप सबको पता है। देखो इंडस्ट्री एंड सप्लाई जो उस टाइम पे मिनिस्ट्री थी ना, एट प्रेजेंट उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उस टाइम पे जिस मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्ट्री बोलते थे, उसको आज बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एट प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है। ठीक है, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने फाउंड करा था, ये इंपॉर्टेंट, इन्होंने फाउंड करा था भारतीय जनसंघ। क्या फाउंड किया था? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, सर भारतीय जनसंघ फाउंड किया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही भारतीय जनसंघ जो इन्होंने 1951 में फाउंड किया, बाद में यही बनी थी भारतीय जनता पार्टी। तो इनको इनडायरेक्टली वन ऑफ द फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी भी बोला जाता है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा, कौन ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की जो पहले मिनिस्टर बने थे इंडियन इंडस्ट्री एंड सप्लाईज के? कौन बने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करी और बाद में जाके जो भारतीय जनता पार्टी बने थे। ठीक है, बाकी ऑप्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे प्रेमनाथ डोगरा जी, अगर मैं प्रेमनाथ डोगरा जी को बात करूं, इनको बोलते हैं शेरे डुगर। ठीक है, जैसे शेख अब्दुल्ला सर को क्या बोलते हैं? शेरे कश्मीर। तो शेरे डुगर जिसको बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्रेमनाथ डोगरा जी को, इनको बोला जाता है शेरे डुगर। तो ये याद कर लेना, इनको क्या बोला जाता है? प्रेमनाथ डोगरा जी को शेरे डुगर बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने 1947 में एक पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम था प्रजा परिषद पार्टी। क्या नाम था? प्रजा परिषद पार्टी। प्रजा परिषद पार्टी जो है इन्होंने फाउंड करी थी 1947 में। ठीक है, इतना याद रखो, किसके साथ? बलराज मोदर के साथ मिलकर फाउंड करी थी। बट आपने इनके लिए ज्यादा याद रखना कि इन्होंने ही, प्रेमनाथ डोगरा सर ने ही 1947 में प्रजा परिषद पार्टी को फाउंड करा था और इन्हीं को शेरे डुगर भी कहते हैं। इतना इतना ही याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है उतना ही याद रखना। ठीक है, अगर मैं गिरधारी लाल डोगरा जी की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर रहे नियर अबाउट 26 ईयर के लिए। तो मतलब ये फेमस जो है पॉलिटिकल पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर की, इन्हीं को बोला जाता है पीपल्स मैन। क्या बोला जाता था इनको? पीपल्स मैन, मतलब लोगों के आदमी, मतलब लोगों के काम करवाने वाले। ठीक है, इनको पीपल्स मैन भी बोला गया, गिरधारी लाल डोगरा, याद रखना। ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के 26 ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज गुलजारी लाल नंदा। इनके बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा। देखो जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जगह एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन्होंने काम किया था। ठीक है, उनकी जगह एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का काम किया था। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हुई थी, उनकी जगह भी एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है काम किया था गुलजारी लाल नंदा ने। तो ये याद कर लेना, गुलजारी लाल नंदा ने दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर काम किया। फर्स्ट टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड सेकंड टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, दिस इज क्लियर, आई होप कुछ चीजें आपको समझ आई। इंपॉर्टेंट ये देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट प्रेजेंट, और उस टाइम इंडस्ट्री सप्लाई के पहले मिनिस्टर बने थे। इन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया था जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। प्रेमनाथ डोगरा जी को शेरे डुगर बोलते हैं, 1947 प्रजा परिषद पार्टी ने फाउंड करी थी। गिरधारी लाल डोगरा को पीपल्स मैन बोला जाता है, 26 ईयर तक ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के। और गुलजारी लाल नंदा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया है आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। दिस इज क्लियर, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, पहले वीडियो पॉज किया करो। मैं बहुत बार आपको सिखाया इन एमसीक्यू कम रिविजन सेशन का बेनिफिट कैसे उठाना है,
प्लस तो नोटबुक लेके साथ में लिखना है जो मैं एडिशनली बता रहा हूँ, वन जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिख दो, ठीक है। और सेकंड थिंग आपने ये करनी होती है कि मतलब जो मैं बता रहा हूँ पहले आप खुद ट्राई किया करो उसका आंसर तुम्हें आता है कि नहीं, ठीक है। बाद में एक्सप्लेनेशन तो आप सुन ही सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन डज जितेंद्र उधमपुरी बिलोंग टू। तो जो जितेंद्र उधमपुरी हैं वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और कौन से प्रोफेशन से ये बिलोंग करते हैं हमें बताना है। ये एक राइटर हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेटर हैं या जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो कौन है जितेंद्र उधमपुरी, जितेंद्र उधमपुरी एक फेमस राइटर जम्मू कश्मीर के, डोगरी में लिखते थे, डोगरी में, हिंदी में एज वेल एज उर्दू में, और ये बिलोंग करते थे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहां से बिलोंग करते हैं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जितेंद्र उधमपुरी का। आपने याद रखना है कि ये एक प्रोफेशनल राइटर हैं, डोगरी हिंदी और उर्दू में लिखते हैं, ठीक है। इनको 1981 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। और किस किस के लिए लिखा गया, किस चीज के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है ये भी पूछा जा सकता है। इन्होंने लिखा था एक शहर यादां तेरियां, एक शहर यादां दा, एक शहर यादां दा, ठीक है। इन्होंने ये लिखा था और इसके लिए इनको बेसिकली साहित्य अकादमी अवार्ड के साथ सम्मानित किया। 2010 में इनको पद्मश्री भी मिला है, 2010 में इनको पद्मश्री भी मिला। देखो कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। तो याद कर लेना जितेंद्र उधमपुरी कौन है, एक राइटर है, बिलोंग्स टू उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1981 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला किसके लिए, एक शहर यादां दा के लिए, और 2010 में इनको पद्मश्री के साथ भी सम्मानित किया गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। बाकी पॉलिटिशियन क्रिकेटर तो हम क्वेश्चंस में देख ही रहे हैं। जियोलॉजिस्ट की बात करूं, एक जियोलॉजिस्ट का नाम याद कर लेना, जीएम भट्ट, ठीक है। जीएम भट्ट जो है श्रीनगर से है, बेसिकली बिलोंग करते हैं, ये एक जियोलॉजिस्ट रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज, ये न्यूज में भी थे रिसेंटली, क्यों न्यूज में थे, 2019 में क्या होता है, 2019 में इनको मेंबर बनाया जाता है साइंटिफिक बोर्ड ऑफ जियो साइंस। एक प्रोग्राम चला रही है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक प्रोग्राम है जियो साइंस प्रोग्राम, उनके साइंटिफिक बोर्ड में बेसिकली इसको मेंबर, इनको मेंबर बनाया गया है। तो जीएम भट्ट का आप याद रखोगे, जीएम भट्ट इज अ जियोलॉजिस्ट फ्रॉम श्रीनगर, और 2019 में इनको मेंबर बनाया गया साइंटिफिक बोर्ड ऑफ जियो साइंस प्रोग्राम, जो कौन चला रहा है, यूनेस्को चला रहा है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता ना, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। इतना मतलब मैं आराम से बताता हूं, मुझे लगता है आपको चीजें दिमाग में बैठती रहेंगी, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस लेटर रिनेम्ड एज नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सीएम है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन कि किन्होंने फाउंड करी थी ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। देखो पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम था ना, वो था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बाद में चेंज होकर क्या रखा गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बेसिकली 1939 में इसका नाम चेंज हुआ था, ये याद कर लेना डेट, 1939 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस किया था, तो ये पॉइंट याद है। किसने फाउंड करी थी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सैयद या सजाद गनी लोन। तो किसने फाउंड करी है बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस, या बोल सकते हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसने फाउंड करी है, इसको फाउंड करा है श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने, ठीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फाउंड किया, इनको बोला जाता है बेसिकली शेर ए कश्मीर। क्या बोला जाता है, शेर ए कश्मीर, जैसे प्रेमनाथ डुग्गर को बोला जाता है शेर ए डुग्गर, प्रेमनाथ डोगरा को बोला जाता है शेर ए डुग्गर, इसी तरह इनको बोला जाता है शेर ए कश्मीर, ये याद कर लेना, ठीक है। इन्होंने अक्टूबर 1932 में फाउंड करी थी यही पार्टी, जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बाद में 1939 में इसका नाम चेंज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा। इन्होंने जब ये फाउंड करी तो मेन इन्होंने कोलैब करा था मीरवेज यूसुफ शाह और चौधरी गुलाम अब्बास से, बट उनका इतना याद नहीं रखना, आपको एग्जाम में इन्हीं के लिए पूछेगा। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1932 में, अक्टूबर 1932 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या सर्व किया है ये आपको बता। देखो सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के कौन बने थे, ठीक है, सबसे जम्मू कश्मीर यूटी की बात नहीं करो, एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर यूटी, अगर पूछे जम्मू कश्मीर यूटी के पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोल सकते फर्स्ट सीएम कौन बने हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, तो वो कौन बने, श्री उमर अब्दुल्ला जी, वो तो अभी है। बट प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जब उसका प्राइम मिनिस्टर जो है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे जम्मू कश्मीर स्टेट के, वो बने थे मेहर चंद महाजन। कौन बने थे, मेहर चंद महाजन। सर आप मेहर चंद महाजन पढ़ा रहे हो तो इनका क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है जम्मू कश्मीर के कौन बने थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे श्री शेख अब्दुल्ला सर, और ये पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, फर्स्ट
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। मेहर चंद महाजन इलेक्टेड नहीं थे, ये पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मेहर चंद महाजन। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना यार, जम्मू कश्मीर के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेहर चंद महाजन, ठीक है। सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इनको फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके भी बोलते हैं, ऑल्दो ये सेकंड नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, बट इलेक्टेड वे में पहले थे, ठीक है। इस वे में आपने याद कर, इतना आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सर के बारे में याद रखोगे तो बहुत है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने अभी सरकार बनाई है, उनका अपना सीएम है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज क्लियर। तो मतलब शेख अब्दुल्ला सर के बारे में अब आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। शेख अब्दुल्ला सर को शेर कश्मीर बोला जाता है। अक्टूबर 1932 में इन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। 1939 में इसका नाम चेंज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर का, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हम बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। सेकंड इज फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला सर के बारे में आप इतना इंपॉर्टेंट याद रखो कि जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है ना, उसके करंट प्रेसिडेंट, अगर मैं बात करूं, देखो प्रेसिडेंट इनके फारूक अब्दुल्ला सर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? फारूक, पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, अगर मैं बात करूं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, पार्टी प्रेसिडेंट कौन है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के? फारूक अब्दुल्ला सर। उमर अब्दुल्ला सीएम है, बट पार्टी के प्रेसिडेंट कौन है? फारूक अब्दुल्ला सर, उनके फादर, ठीक है। ये सारी लीनेज आ रही है, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट देखो, मुफ्ती मोहम्मद सैयद, ये इंपॉर्टेंट नेम है। देखो ये भी पॉलिटिशियन है, आपको पता है इन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर काम किया है दो बार, ठीक है। दो बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं जम्मू कश्मीर के। पहला इनका टेनवर था 2002 से 2005 में, ठीक है, और दूसरा टेनवर था इनका 2015-2016 के बीच में था, फिर इनकी डेथ हो जाती है, आपको पता है। तो ये इन्होंने कौन सी पार्टी फाउंड करी थी? मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अगर पूछे जम्मू कश्मीर पीडीपी पार्टी जो है वो किसने फाउंड करी है, वो फाउंड करी है किसने? मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने। और कब फाउंड करी थी? 1999 में, ठीक है। आप में से काफी बच्चों का इस टाइम पे बर्थ हुआ होगा। 1999 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो है इन्होंने एक जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को फाउंड किया था। इन्होंने सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर दो बार जो है सर्व किया, इतना याद कर लो। नेक्स्ट इज सजाद गनी लोन। ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर में, और जो आपकी करंट ये क्या है, चीफ है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक पार्टी है जेकेपीसी, इंपॉर्टेंट है याद करो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के ये क्या है प्रेसिडेंट है, कौन? सजाद गनी लोन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो रिसेंट असेंबली इलेक्शंस हुए ना जम्मू कश्मीर में, तो इन्होंने ये भी जीते हैं, हंडवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से जीते हैं, तो इसलिए याद करना है। करंट चीफ है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। दिस इज क्लियर। सर बहुत बहुत ओवरवेट हो रहा है, बहुत चीजें बहुत ज्यादा हो रही है। देखो कुछ नहीं है, सिंपलीफाई कर रहा हूँ, दो बार वीडियो देख लेना। अब मैं तो बार बार नहीं ना बनाऊंगा, मेरा तो होता है ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में यही देखा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेर कश्मीर बोला गया। 1932 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। फिर बाद में 1939 में इसका नाम चेंज होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पड़ा। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जेएंडके, फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने। फारूक अब्दुल्ला करंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है। मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई 1999 पे, और दो बार एज सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन्होंने सर्व किया। सजाद गनी लोन जो है अभी मान सकते हैं कि ये असेंबली इलेक्शंस जीते हैं, कहां से? हंडवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और चीफ है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में। दिस इज क्लियर। यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 4, हु डायरेक्टेड द नोटेबल फिल्म्स ये रात फिर ना आएगी एंड वीर सावरकर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से ऐसे यहाँ पर डायरेक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्ट करा है ये इंपॉर्टेंट फिल्म्स हैं, ये रात फिर नहीं आएगी और वीर सावरकर, इन मूवीज को किसने डायरेक्ट किए? रामनाथ शास्त्री जी ने, कुंदन लाल सहगल जी ने, जायरा वसीम ने, और वेद राही ने। तो किसने फाउंड करा, बेसिकली इसको डायरेक्ट करा है, एक फिल्म है, कौन सी दो फिल्म है? ये रात फिर नहीं आएगी और वीर सावरकर। किसने करा है? वेद राही जी ने। ये नाम याद कर लेना, वेद राही जी ने, ठीक है। देखो इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट शो डायरेक्ट भी करा है जो पहले बड़ा फेमस था, जिसका नाम है गुलशन गुलफान, ठीक है। ये शो भी इन्होंने ही डायरेक्ट करा, इतना याद कर लेना। इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड के साथ भी इनको सम्मानित किया। इन्होंने एक डोगरी नॉवल लिखा था जिसका नाम था आले। क्या नाम था? आले। एक डोगरी नॉवल लिखा आले, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया, ठीक है। दिस इज क्लियर। वेद राही सर के बारे में इतना याद कर लो, ये रात फिर नहीं आएगी, वीर सावरकर हो गया, गुलशान गुलफाम उनको डायरेक्ट करा, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला आले के लिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। रामनाथ शास्त्री जी इंपॉर्टेंट,
फादर ऑफ डोगरी, डोगरी लैंग्वेज के फादर इनको बोला जाता है, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसको बोला जाता है? रामनाथ शास्त्री जी को। इनकी देखो, इनकी एक बहुत फेमस बुक है बदनामी की छांव, बदनामी की छांव, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। एक इन्होंने बाबा जीतो पे भी बुक लिखी है, बाबा जीतो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना बदनामी की छांव, क्योंकि इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर मैं कुंडन लाल सहगल की बात करूं तो ये बेसिकली इंडिया के सिंगर हैं और एक्टर हैं, जम्मू से, इतना याद कर लो। जायरा वसीम की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, जायरा वसीम ने एज डेब्यू, ध्यान से सुनो, जायरा वसीम ने डेब्यू करा था दंगल में। ठीक है, दंगल में जो यंग गीता फोगाट का रोल किया हो ना, अगर आपने दंगल मूवी देखी है तो यंगर जो गीता फोगाट का रोल किया है वो जायरा वसीम ने किया था। ठीक है, ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं, तो जंगर गीता फोगाट का काम इन्होंने किया था। फिर सीक्रेट सुपरस्टार में भी इन्होंने लिया था, बट 2019 में इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, कहां से? इस फिल्म इंडस्ट्री से, ये याद कर लेना। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो नोटेबल फिल्म्स हैं जैसे ये रात फिर नहीं आएगी या वीर सावरकर, इसको किसने डायरेक्ट करा है? वेद राही जी ने। साहित्य अकेडमी अवार्ड औले के लिए मिला, गुल गुलशन गुलफाम भी याद कर लेना, इसको भी डायरेक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज हु अमंग द फॉलोइंग, देखो 8 क्वेश्चन टोटल मैंने डाले हैं, इतने ज्यादा नहीं है बट एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट हैवी। हु अमंग द फॉलोइंग साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947। देखो 26 अक्टूबर को अभी रिसेंटली छुट्टी भी थी एक्सेशन डे की, मतलब जब जम्मू कश्मीर जो है इंडिया में ऐड हुआ उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 में, किसने करा था साइन? ठीक है, इधर से किसने साइन करा था? महाराजा गुलाब सिंह, डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह या महाराजा प्रताप सिंह, किसने साइन करा था? यार ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता है। ठीक है, किसने साइन किया था? महाराजा हरि सिंह जी ने साइन किया था। महाराजा हरि सिंह जी कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के। ठीक है, लास्ट रूलर डोगरा डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टी कहां से स्टार्ट हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह जी से। ठीक है, डेट ऑफ अमृतसर आप सबको पता है, 16 मार्च 1846। ठीक है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लिया था ब्रिटिशर्स से 75 लाख नानकशाही रुपीज में, जिसको सेल ऑफ कश्मीर ट्रीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हमने क्या देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 26 अक्टूबर 1947 में साइन हुआ, किसने किसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे साइन हुआ था, ये याद करें, ये लास्ट रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के। ठीक है, अगर महाराजा गुलाब सिंह जी की बात करूं तो फाउंडर, फाउंडर जो है रॉयल डोगरा डायनेस्टी के वो कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह जी। इन्होंने ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी जिसकी डेट है 16 मार्च 1846। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर को ब्रिटिशर्स ने हमने लिया था। ठीक है, ये याद कर लेना। अगर मैं डॉक्टर करण सिंह जी की बात करूं, डॉक्टर करण सिंह आपको पता है फेमस पॉलिटिशियन भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, इनको 2005 में पद्म विभूषण भी दिया गया, 2005 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। देखो इनका क्या, ध्यान सुनो, इनको एज अ प्रिंस रीजेंट ट्रीट किया गया 1952 तक। ठीक है, 1952 तक इनको प्रिंस रीजेंट के तौर पर ट्रीट किया गया, उसके बाद ये बने सदर रियासत, फर्स्ट एंड ऑनली, एक ही सदर रियासत रहे जम्मू कश्मीर के, फर्स्ट एंड ऑनली सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इन्होंने एज सर्व करा, और बाद में सुनो, पहले गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के बने 1965 के टाइम में, पहले गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के कौन बने? डॉक्टर करण सिंह जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर करण सिंह जो है इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ना। देखो आप सबको पता है सबसे पहले कौन आए? महाराजा गुलाब सिंह जी। महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद कौन आए? महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा रणबीर सिंह जी, फिर महाराजा प्रताप सिंह जी, फिर हरि सिंह जी, आगे इनकी जो आगे डॉक्टर करण सिंह जी, बट तब तक जो रूलर वाली प्रथा ये खत्म हो गई थी, इसलिए इनको प्रिंस रीजेंट के तौर पे 1952 तक सम्मानित किया गया। उसके बाद ये बने सदर रियासत ऑफ जम्मू कश्मीर, फर्स्ट एंड ओनली सदर रियासत है जम्मू कश्मीर, बाद में ये गवर्नर भी बने थे। ठीक है, इतना आपने याद रखना है, और करंट बहुत अच्छी बुक्स भी लिखते हैं, और इनको एज पद्म विभूषण के साथ भी सम्मानित किया गया था 2005 में। ठीक है, दिस इज क्लियर। महाराजा प्रताप सिंह जी के बारे में आपको पता है, महाराजा प्रताप सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। एक तो हमने देख लिया इनकी क्रोनोलॉजी देख ली, सबसे पहले गुलाब सिंह जी, फिर रणबीर सिंह जी, फिर प्रताप सिंह जी, फिर हरि सिंह जी। ठीक है, ऐसे देख लिया, बट महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पे बहुत अच्छे काम हुए, जैसे बैगर सिस्टम जो था ना वो तब खत्म हुआ था महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पे। ठीक है, बैगर सिस्टम खत्म हुआ, फिर बनिहाल कार्ट रोड जो है ना, बीसी रोड, बनिहाल कार्ट रोड जो है वो इन्होंने ही बनाई थी। ठीक है, और इन्होंने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मोहरा में, कहां पर? मोहरा में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, सो कुछ ये तो वैसे हिस्ट्री में आ जाता है जम्मू कश्मीर, बट फेमस पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत इसका आइडिया आप रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज एन इंडियन प्रोफेशनल मैनेजर एंड फॉर्मर फुटबॉलर। देखो पहले फुटबॉलर,
प्रोफेशनल फुटबॉलर जम्मू कश्मीर से कौन बिलोंग करते हैं? श्रीनगर से बिलोंग करते हैं बेसिकली, कौन है ये? परवेज रसूल क्रिकेटर है, मिथुन मनहास क्रिकेटर है, आप सबको पता होगा ये, ठीक है। ये कौन है बेसिकली? ये है महरुद्दीन वाडू। महरुद्दीन वाडू जो है ये प्रोफेशनल फुटबॉलर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये याद कर लेना, ठीक है, इतना याद कर। परवेज रसूल आप सबको पता है ये क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है बेसिकली, बिजबेरा जो अनंतनाग है वहां से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर टीम जो है हमारी उसको कैप्टन एज सर्व करा हुआ, और इन्होंने बेसिकली पहली बार जो आईपीएल खेला था वो किसके लिए खेला था? सनराइजिंग हैदराबाद के लिए, ठीक है। परवेज रसूल के बारे में ये याद करा। मिथुन मनहास इज इम्पोर्टेंट, ये पहले क्रिकेटर हैं जम्मू कश्मीर में से जिन्होंने आईपीएल में प्ले किया था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना याद कर लो। ये क्रिकेटर है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और पहले ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल में प्ले किया। नेक्स्ट इज सादिया तारिक की मैं बात करूं, देखो सादिया तारिक अगर बात करें तो सादिया तारिक एक वुशु प्लेयर है। किसके प्लेयर है? वुशु के प्लेयर है, वुशु खेलते हैं ना जो, वुशु प्लेयर है और श्रीनगर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने नेशनल लेवल गोल्ड वगैरह भी जीता है, तो इतना याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, दिस इज क्लियर। कुछ मुश्किल नहीं है। परवेज रसूल सर का नाम क्रिकेटर एज अ सुना हुआ आपने, मिथुन मनहास सर क्रिकेटर है सुन लिया, महरुद्दीन वाडू आपने याद रखना है किसके लिए? फुटबॉलर, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, और सादिया तारिक वुशु प्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज अ रिसिपिएंट ऑफ अर्जुना अवार्ड, अ फेमस इंडियन पैरा आर्चर। एट प्रेजेंट एक फेमस इंडियन पैरा आर्चर है, ठीक है, पैरा आर्चरी में पार्टिसिपेट करते हैं और ये रिसिपिएंट है अर्जुना अवार्ड, इनको मिला है। एकवीरा रसूल, शीतल देवी, गीता मित्तल, सना इरशद मत्तू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसको मिला है? शीतल देवी को, ठीक है। शीतल देवी के बारे में सबने सुना है, मैंने भी कितनी बार व्हाट्सएप वगैरह में पोस्ट डाली है। किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? किश्तवाड़ से बिलोंग करते हैं, पैरा आर्चर हैं। देखो इनकी ये फेमस पता है कब हुई थी? जब इनको 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला, कहाँ पर? एशियन पैरा गेम्स में। जब एशियन पैरा गेम्स हुई ना 2022 में, एशियन पैरा गेम्स हुई 2022 में, इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जब जीता ना, उसके बाद ज्यादा फेमस हो गई है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड पैरा आर्चरी जो हुई उसमें इन्होंने मेडल आया, वर्ल्ड लेवल पे जो पैरा आर्चरी हुई उनमें इसने इन्होंने मेडल आया, तो उसके बाद भी इनकी फेम जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब रिसेंटली इनको बहुत सारे अवार्ड दिए गए, वो आपने याद रखना। देखो जो एशिया एशिया में पैरा ओलंपिक कमेटी है, एशिया की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने इनको रिसेंटली कौन सा अवार्ड दिया था? बेस्ट यूथ एथलीट एथलीट ऑफ द ईयर। कौन सा? बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन से ईयर के लिए दिया गया? 2023 के। किसने दिया इनको? एशिया की जो पैरा ओलंपिक कमेटी है उन्होंने दिया, ठीक है, याद करना। तो बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर 2023 इनको मिला है, और किसने दिया है? एशिया की पैरा ओलंपिक कमेटी। ये आपका करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ इतना नहीं सिर्फ, ठीक है, बेस्ट वुमेन पैरा आर्कर, बेस्ट वुमेन पैरा आर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का इनको दिया है वर्ल्ड आर्चरी ने। किसने दिया है? वर्ल्ड आर्चरी। तो ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है। तो शीतल देवी मैम के बारे में आपने इतना याद रखना है, किश्तवाड़ से बिलोंग करती हैं, 2 गोल्ड 1 सिल्वर मिला 2022 एशियन पैरा ओलंपिक्स में, वर्ल्ड पैरा आर्चरी में मेडल आया, उसके बाद बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी ने, और बेस्ट वुमेन पैरा आर्कर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड इनको दिया है वर्ल्ड आर्कर ने। दिस इज क्लियर, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। इकरा रसूल मैंने पिछले लेक्चर एक लेक्चर में बताया था, जम्मू कश्मीर जो मैंने पढ़ाया था, ये क्रिकेटर है और बारामूला से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको बारामूला सुपर गर्ल भी कहा जाता है, बारामूला सुपर गर्ल भी इनको कहा जाता है, ठीक है। गीता मित्तल मैम की बात करें, इनके बारे में तो बहुत बार हमने जो जूनियर सिस्टम के बच्चे उनको पढ़ाया हुआ है। गीता मित्तल मैम की अगर बात करें, ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, पहली वुमेन चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल, ये आप याद करें। और सना ईश्वर मत्तू की अगर हम बात करें, ये एक फोटो जर्नलिस्ट है श्रीनगर से, ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट है श्रीनगर से, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है फॉर हर फीचर फोटोग्राफी के लिए। 2022 का जो पुलित्जर प्राइज था ना फीचर फोटोग्राफी के लिए, वो सना ईश्वर मत्तू को ही मिला था, ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सारी फेमस पर्सनालिटी जम्मू कश्मीर की, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे आप, ठीक है। जैसे अतुल डुल्लू जी के बारे में आप पता ही होगा आपको, एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के, ठीक है। गुलाम अली खिताना आप मुझे बताना, ये एमपी है क्या है जम्मू कश्मीर के। युगल किशोर शर्मा एमपी है क्या है बताना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, पहले आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। डैश इज इंडियन फिजिशियन भी है, पॉलिटिशियन भी है, करंटली सर्व कर रहे हैं एज मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस, इनमें से मुझे बताना है कौन से मिनिस्टर है, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी बताओगे आप कहां से बिलोंग करते हैं।
सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं जम्मू कश्मीर की वो कवर कर लिए हैं। इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अभी बचती हैं जो मैं सेकंड पार्ट में ऑल में करने में तो इसमें भी कवर कर लेता, बट ये बर्डन हो जाएगा बहुत ज्यादा, मैं आपको बर्डन में नहीं रखूंगा। तो कवर करेंगे और आप अपनी डिमांड्स रखें किस टॉपिक में आपको चाहिए वीडियोस, तो उस पर हम लाने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चों के मैं अभी डिमांड्स देख रहा था कल के लेक्चर में, तो उन पर भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं वेरी सून में आपके साथ शेड्यूल जो है बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा। बाकी देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करो, मेरा इंटरफेस वहां पर मैं शेयर करता हूँ। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह डाल देता हूँ, वो भी शेयर। और बाकी अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन करें कॉन्स्टेबल वगैरह या किसी और एग्जाम्स की, जम्मू कश्मीर के जो भी एग्जाम्स होते हैं, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।